हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करेंगे लेबर पेन, डिलीवरी के समय पे होने वाला दर्द क्या होता है, क्यों होता है, कब आप समझें कि ये फॉल्स पेन है या रियल का पेन है, आपको कब डॉक्टर के पास जाने का है, क्या सावधानियां रखनी है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बच्चेदानी मांसपेशियों की यानी कि मसल्स की एक थैली होती है। जैसे बच्चा उसमें बढ़ता है वैसे बच्चेदानी भी उसके साथ साथ में बड़ी होती चली जाती है, फैलती है। डिलीवरी के समय जैसे जैसे नज़दीक आता है या कभी कभी बॉडी में कुछ खास तरीके के चेंजेस की वजह से, कभी कुछ इन्फेक्शंस की वजह से या कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से, अदरवाइज नेचुरली डिलीवरी जब का समय कंप्लीट हो जाता है उस समय पे हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होते हैं। इनकी वजह से जो मांसपेशियां हैं उसमें सिकुड़न होती है, वो धक्का देकर के बच्चे को बाहरी दुनिया में लाने की कोशिश करती है। साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ये कुछ बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज की वजह से बच्चेदानी का मुंह जो कि अभी तक कड़ा था, जो बच्चे को नीचे आने से रोक रहा था, वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, खुलना स्टार्ट हो जाता है ताकि बच्चे को बाहर निकलने के लिए रास्ता बन सके। तो बच्चेदानी के मुंह के खुलने की वजह से और बच्चेदानी की जो बॉडी होती है उसकी मांसपेशियों के सिकुड़ने की वजह से दर्द होता है। उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी अंदर बच्चेदानी में हो जाती है जिसकी वजह से पेन होता है और इसी पेन को हम बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन नॉर्मली आपको कमर के नीचे के हिस्से से स्टार्ट होता है, पेट तक जाता है, कभी कभी आपकी थाइज यानी कि जांघों में भी जा सकता है। लेबर पेन के समय पे मैंने बोला कि जब सिकुड़न होती है तो वो खून की नसें जो बच्चे को और बच्चेदानी को ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है वो सिकुड़ जाती है, इसे हम बोलते हैं इस्कीमिया, और इसकी वजह से बच्चा भी थोड़ा सा डल हो सकता है। लेकिन बच्चे को बाहरी दुनिया में आना भी है तो बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करके उसे धक्का भी देना है, तो इसके लिए नेचर ने बहुत ही खूबसूरत सा तरीका बना रखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है, ये अंतराल पे होती है, थोड़ी देर होगी ताकि बच्चे को नीचे थोड़ा सा पुश मिले और फिर वो एकदम रिलैक्स हो जाता है ताकि जो नसें हैं वो फिर से खुल सके, बच्चे को ब्लड सप्लाई पहुंच सके। तो टेम्परेरी जो ऑक्सीजन की कमी और न्यूट्रिशन की कमी होती है बच्चे को नुकसान नहीं करती है, इनफैक्ट वो थोड़ा सा फ़ायदा करती है। अगर कॉन्ट्रैक्शंस लंबे टाइम तक बने रहते हैं किसी कारणों की वजह से तो ये बच्चे को लंबे टाइम तक ऑक्सीजन से दूर रखती है, उसकी वजह से कभी कभी बच्चे डिस्ट्रेस में यानी कि उनकी धड़कन ऊपर नीचे हो सकती है। अदरवाइज जो कुदरती एक पेन प्रक्रिया है वो ये होती है कि पेट में आपके दर्द हो रहा है वो इंटरमिटेंट यानी कि अंतराल पे होगा ताकि हमें कॉन्ट्रैक्शंस का फायदा भी मिल सके और साथ ही साथ उससे जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है उससे बचें और हमें रिकवरी टाइम भी मिले। लेबर पेन मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रू पेन। ट्रू पेन वो होता है जो वाकई में ही बच्चेदानी के मुंह को खोलेगा और वो कॉन्ट्रैक्शंस इस तरीके से होती है कि बच्चे को ऊपर से लेकर के धक्का नीचे की तरफ आता है। ये पेन्स जो हैं हमें डिलीवरी में मदद करते हैं। और कुछ होते हैं फॉल्स पेन्स। फॉल्स पेन होते हैं कि वो कोई सिंक्रनाइज यानी कि तालमेल के साथ में वो दर्द नहीं होता, ऐसे ही कहीं मांसपेशियों में बच्चेदानी के खिंचाव आता है, वो वहाँ पे टाइट हो जाती है, कोई उसमें पैटर्न नहीं रहता है, कोई रिदम नहीं रहता। तो ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन को आप इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ट्रू लेबर पेन आएगा जाएगा, ये इंटरमिटेंट होता है और इसका जो गैप होता है टाइम बढ़ने के साथ साथ में वो गैप कम होता चला जाएगा और साथ ही साथ में टाइम बढ़ने के साथ साथ में दर्द भी बढ़ता चला जाता है। इसके साथ में आपको शो भी हो सकता है। शो का मतलब होता है कि योनि मार्ग से थोड़ा सा ब्लड या लिसलिसा सा पदार्थ जाना जो ये इंडिकेट करता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। ट्रू लेबर पेन के साथ में ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है या कभी कभी वाटर लीक भी हो जाता है जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड लीक बोलते हैं। इंटरमिटेंटली पेन होना, समय के साथ में वो पेन का बढ़ना, उस पेन के साथ में शो या वजाइनल वाटर लीक होना, ये सब दर्शाते हैं कि जो पेन है वो ट्रू लेबर पेन। अगर आपने रेस्ट किया, रेस्ट करने के साथ में पेन ठीक हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, उसके साथ में इस तरीके के कोई लक्षण नहीं है, तो ये फॉल्स लेबर पेन्स है, ये आते जाते रहेंगे, इसके लिए आपको हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो लेबर पेन होता है
उसके मेनली हम बोलते हैं चार स्टेजेस होते हैं। चार स्टेज में जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है सर्वाइकल डायलिटेशन की। सर्वाइकल डायलिटेशन मतलब इस दौरान बच्चेदानी का मुंह खुलता है और मेनली यही स्टेज होती है जिसमें मैक्सिमम दर्द आप महसूस करते हैं। सेकेंड स्टेज होती है कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, अब आप धक्का देते हैं, पुश करते हैं और बच्चा डिलीवर होकर के बाहर आ जाता है। थर्ड स्टेज होती है कि बच्चा तो बाहर आ चुका है, अब जो आवल जिसे प्लेसेंटा भी बोला जाता है वो बाहर आने वाला है, तो उसे हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। और फोर्थ स्टेज होती है रिकवरी की, जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब मदर में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ब्लीडिंग कंट्रोल आ रही है, इसे हम रिकवरी फेज बोलते हैं। तो ये चार स्टेजेस होती हैं लेबर पेन्स की। लेबर पेन नेचुरली भी उठ सकते हैं और आर्टिफिशियली भी उठाए जाते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें लगता है कि हमें समय से पहले डिलीवरी करानी है या समय नज़दीक आ गया है और फिर भी पेन नहीं उठ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल पेन्स उठाए जाएं या नेचुरल पेन्स उठाए जाएं, अगर आपका केस केयरफुली सिलेक्टेड है तो दोनों में ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी, ये सब लेबर के दौरान ही डिसाइड होता है। अगर आप डर की वजह से नॉर्मल लेबर में नहीं जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है वो माँ बच्चे दोनों के लिए अच्छी है। और दर्द रहित प्रसव यानी कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी जिसमें हम एपिडुरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं, उससे आप अपने लेबर पेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे पेनलेस बना सकते हैं। तो लेबर पेन इन प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जिसके जरिए बच्चा इस दुनिया में आएगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से इसे समझ लेते हैं तो लेबर पेन को लेकर के जो एंग्जाइटी या नर्वसनेस रहती है वो आप में भी नहीं रहेगी। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस चीज़ को अपने बर्थ पार्टनर के साथ भी डिस्कस करें ताकि लेबर के टाइम पे वो भी पैनिक नहीं करें और आपको एक मॉरल सपोर्ट दे करके रखें।